Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying our classes. आज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में जो हमने पहला किया था टू लेट, उसका अपोजिट एडवर्टाइजमेंट बनाना है. और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है. CBSE, RBSE हर एक पैटर्न में ये आता रहता है. तो आप देखें, मैंने लिख के रखा है जिससे कि बहुत जल्दी हम सीख जाएं, टाइम की भी बचत हो. तो लेट अस सी. पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की पहली श्रेणी में ही थे हम लोग, टू लेट रेंट वाली श्रेणी में. टू लेट का मतलब क्या था? मकान जो अपने पास में है या जो भी अपने पास में कोई पोर्शन है विच वी वॉन्ट टू लेट, यानी किराए पर देना है, तो वो हम लोगों ने बनाया था. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा. अब उसका अपोजिट है कि आपको रेंट पे लेना, आपके पास मकान है नहीं, आपको किराए पर लेना है, तो आप क्या करेंगे? दुनिया में कोई भी चीज़ है ये उसकी एक हेडिंग के लिए एक वर्ड है, वांटेड. वांटेड से आप कुछ भी बना सकते हो. फिर क्या है वो आप जोड़ सकते हो. तो मैंने एक छोटा सा प्रश्न में लिख के रखा है कि कैसा प्रश्न दिखता है एग्जाम में अगर आ जाए. काफ़ी लंबा चौड़ा भी हो सकता है लेकिन आया है रिटन इन वेरी शॉर्ट. सपोज यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, 10th, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं. एंड यू नीड ए वन रूम सेट नियर बाई योर स्कूल. क्यों स्कूल के नज़दीक ही? बिकॉज यू आर स्टूडेंट. और आप स्कूल के नज़दीक रहोगे तो आपका आना जाना स्कूल से इजी रहेगा, क्योंकि आप ऐसा हो सकता है कि गांव से शहर में आए पढ़ने के लिए और आपको मकान चाहिए. अब इतने बड़े शहर में आप कहाँ कहाँ ढूंढते फिरोगे? तो एक छोटा सा क्लासिफाइड एड दे सकते हैं और जिसके पास होगा वो आपसे संपर्क कर लेगा. तो यही इसका पर्पज़ ही है क्लासिफाइड एड का, कि हम बड़ी आसानी से चीज़ों को बेच सकें या खरीद सकें, इसीलिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है पास कर सकें, इसीलिए क्लासिफाइड एड है. और उसका वर्गीकरण अलग अलग किया गया है, इसलिए अलग अलग सेक्शन में वो अखबारों में प्रिंट होता है. जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैट्रिमोनियल कॉलम अलग होता है, सेल एंड परचेज का कॉलम अलग होता है, टू लेट एंड रेंट का कॉलम अलग होता है. तो हम लोग अभी टू लेट और रेंट वाले में हैं. तो अभी आपको चाहिए क्या है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वॉन्टेड ऑन रेंट? तो वो हेडिंग बना दी, किराए पर चाहिए. क्या चाहिए? वांटेड ए वन रूम सेट. एक रूम सेट मतलब एक स्टूडेंट के लिए कमरा ही चाहिए, उसको वन रूम सेट बोलेंगे. पर साथ में आपको किचन भी चाहिए, हो सकता है आपको खाना भी पकाना है, फिर टॉयलेट या वॉशरूम भी चाहिए सेपरेट, क्योंकि कंबाइंड में बहुत दिक्कत रहती है, सैनिटेशन की भी ट्रबल रहती है. सो जनरली लोग सोचते हैं कि सेपरेट हो, इसीलिए. तो वांटेड वन रूम सेट विथ ए सेपरेट किचन एंड वॉशरूम. आपकी रिक्वायरमेंट इतनी है ना, आपको कोई पार्किंग फैसिलिटी लेनी है ना कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं. जिसको चाहिए वो लेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपके पास क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक बाइक हो सकती है, कहीं भी पार्क हो जाएगी. अब आपको लोकेशन देना है कि कहाँ पर चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न में भी यही है. सो नियर बाय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर. मान लो जालोर के लिए अपन बना रहे हैं, जयपुर हो, जयपुर में कोई स्कूल हो पर्टिकुलरली, उसका नाम अगर हो तो वो देना पड़ेगा. आप हो क्या? हु आर यू एंड व्हाट आर यू? स्टूडेंट. क्योंकि कई बार क्या होता है कि छात्रों को कई लोग नहीं देते हैं और कई लोग छात्रों को ही देना चाहते हैं. दोनों तरह के इंसान हैं हमारे समाज में. कुछ छात्रों को इसलिए देना चाहते हैं कि उनको लगता है कि छात्र थोड़े दिन रहेंगे चले जाएंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, वो पढ़ने के लिए आए हैं. और कुछ इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि उनका एक गलत इंप्रेशन बन गया है कि छात्र हैं तो वो हल्ला मचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए कई लोग नहीं देते हैं. तो अलग अलग है, पर आपको तो मेंशन करना है स्टूडेंट. फिर कौन सी क्लास में हो भाई, एज क्या होगी, उसे अप्रोक्सीमेटली पता लग जाता है. स्टडिंग इन क्लास 12th, तो उनको पता लग गया. अब आपको रेंट कितना दे सकते हो वो मेंशन करना है, प्लस माइनस तो हो सकता है कुछ भी. अप टू ₹2000 आया रिटर्न. एक स्टूडेंट ₹2000 ज़्यादा दे नहीं सकता है. देने वाले वैसे 20,000 भी दे सकते हैं जो रिच फैमिली के, लेकिन एक जनरल आम परिवार का जो बच्चा है, पेरेंट्स इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं उसको शहर में पढ़ाने के लिए. तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अब पहले वाले का अगर आपने देखा हो टू लेट वाला, और नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच दैट, कि उसमें मैंने एक्सक्लूडिंग वर्ड यूज़ किया. एक्सक्लूडिंग का मतलब के अलावा, क्योंकि अगर मैं मकान मालिक हूँ और मुझे किराया चाहिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा, और साथ में बिजली और पानी फ्री नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि अगर बिजली और पानी मैंने फ्री में दे दिया तो वो जो किराएदार है वो कितना भी खर्च कर सकता है.
इसीलिए उसमें तो अगर आप हाउस ओनर हो और अगर आपको किराए पे देना है तो उसमें ध्यान रखना है एक्सक्लूडिंग करना है, एक्सक्लूडिंग यानी के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। लेकिन आप छात्र हो, आपको पता है मुझे तो बहुत ही कम यूज़ करना होगा, मैं रात में सिर्फ पढ़ाई करूँगा और मेरे को पानी का भी कितना खर्चा है, और वो जो ऑनर होगा हाउस का वो भी समझेगा कि छात्र को ज़्यादा वो नहीं है, तो आपका किराया और वो बिजली और पानी का जो भी है सब शामिल है। तो आपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देख लिया कि 2000 पॉकेट अलाउ करेगी, तो आपने वो मेंशन कर दिया। ज़्यादा अलाउ करती है पॉकेट तो ज़्यादा आप मेंशन कर सकते हैं। सो लेकिन ये इंक्लूडिंग ही आप लोगे, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। अब आपके पास तो कोई एड्रेस तो है नहीं, पर मोबाइल नंबर तो आपके पास होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट वो कहाँ करेगा आपसे। सो यू हैव टू राइट दिस, इंटरेस्टेड पर्सन्स मे कॉन्टैक्ट एंड यू हैव टू गिव मोबाइल नंबर एंड यू राइट योर मोबाइल नंबर इफ यू वन और टू वट एवर। So by that he can contact and you can just take the house on rent, room on rent. अगर कोई बहुत बड़ा मकान लेना है तो भी ये फॉर्मेट यही रहेगा, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए वो जोड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसके भी बहुत सारे वेरियंट्स हैं, बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे पहलू हैं, वो सीखते चले जाओगे। लेकिन अभी मैंने बेसिक्स से शुरू किया है, जिसे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ही क्या है कि 12th क्लास का जो सिलेबस है वो जॉब ओरिएंटेड है। जॉब ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि आप 12th क्लास पास करने के बाद एक ऐसी स्थिति में हो कि अपने रिक्वायरमेंट की चीज़ें जो है वो भी आप कर सको, या किसी एड कंपनी में काम कर रहे हो, या कहीं पे आप ड्राफ्टिंग का काम कर रहे हो, या किसी प्रेस में काम कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को बनाना आना चाहिए। इसलिए जॉब ओरिएंटेड सिलेबस है, इसलिए इन सब चीज़ों का। अब इससे आपको क्या है कि अंग्रेजी का लेखन जो है वो अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू हैव गुड राइटिंग स्किल देन यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 12 और इन एनी एग्जामिनेशन। दिस इज नॉट ओनली फॉर क्लास 12, दो आई स्पीक फॉर क्लास 12 फॉर अवर एकेडमी, बट जो लोग दूसरे लोग वॉच कर रहे हैं, इवन CBSE में 8th क्लास 9th क्लास में भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर कोई स्टूडेंट नहीं है और वो वॉच कर रहा है वीडियो को, तो भी उसके लिए यूजफुल है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ सकती है उसको कहीं मकान लेने की या मकान किराए पर देने के लिए। तो बहुत ही जनरल यूजेज हैं इनके, इसलिए सभी के लिए लाभदायक है। So keep watching, keep following. Thank you for the day. And if you like us, please subscribe and press our like button. Thank you.